वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेइंग इंजीनियर। तो दोस्तों, हमने इसके पहले रब्बल मैशनरी, एशलर मैशनरी, उनकी प्रॉपर्टीज़ देख ली है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले जनरल प्रिंसिपल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैशनरी, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों जनरल प्रिंसिपल्स। द स्टोन्स टू बी यूज फॉर द स्टोन मैशनरी शुड बी हार्ड, टफ, ड्यूरेबल। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन्स शुड बी वर्टिकल। The stones should be perfectly dressed as per the requirement. The heads and the bond stones should not be of a dumb bell shape. In order to obtain uniform distribution of load under the ends of girder, rope trusses, etc., large flat stones should be used. The mortar to be used should be good quality and in specified spaces. The construction work of stone masonry should be raised uniformly. The plumb bob should be used to check the verticality of erected wall. The stone masonry section should always be designed to take a compression and not the tensile stresses. The masonry work should be properly cured after the completion of work for a period of 2 to 3 weeks. As far as possible, the broken stones or a small stone chips should not be used. Double scaffolding should be used for working at higher level. The masonry hearting should be properly packed with the mortar and the chips if necessary to avoid hollows. The properly wetted stones should be used to avoid mortar moisture being sucked. तो दोस्तों, हम देखने वाले general principles। सबसे पहले है द स्टोन्स टू बी यूज फॉर स्टोन मैसनरी शुड बी हार्ड, टफ एंड ड्यूरेबल। आपका स्टोन कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन शुड बी ऑफ वर्टिकल। अब इसका मीनिंग क्या है? हमने देखा था कि क्वेरी साइट पर आपको जो स्टोन मिलता है, ठीक है, जो नेचुरली लेयर के साथ में जो स्टोन क्रिएट होता है, हमें उसी लेयर्स पर उसे प्लेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि ओके दोस्तों, ये है आपका स्टोन और ये लेयर्स में डिपॉजिट होकर बनता है, ठीक है। अगर आपका सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक है, तो वो लेयर्स में बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो आपको उन्हीं लेयर्स पर रॉक को प्लेस होना करना होता है और इन लेयर्स के परपेंडिकुलर आपका लोड एक्ट होगा। जब आप उस बेड को उसके नेचुरल बेड पर रखते हो, आप उस स्टोन को नेचुरल बेड पर रखते हो और आपका लोड परपेंडिकुलर टू दैट नेचुरल बेड होता है, तभी आपका स्टोन मैक्सिमम स्ट्रेंथ देता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप उसे पैरेलल रखोगे, देखिए ये रॉन्ग है, अगर आप उसे पैरेलल रखते हो, हमारा लोड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, और अगर आप उसे पैरेलल रखते हो लोड से, तो वो रॉन्ग प्लेसमेंट होगा। आपको किस तरह रखना है? आपको उसे परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है, आपके जो लेयर्स हैं उसके परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है, आपको पैरेलल नहीं रखना है। अगर आप लोड को पैरेलल रखते हो तो ये क्या होगा, बस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ गया कि हमने कभी भी लोड परपेंडिकुलर टू नेचुरल बेड पर रखना है। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन शुड बी वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेड सरफेस। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, द स्टोन शुड बी परफेक्टली ड्रेस्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों। हमने देखा था कि क्वेरी साइट पर ही हम ड्रेसिंग करते हैं और जैसे ही आपकी साइट पर स्टोन आता है तो आपको रिक्वायर्ड साइज में उसे ड्रेसिंग देनी पड़ती है कि उसका वेट जो भी है कम हो जाए और आपको एक्यूरेट शेप में मिल जाए। देन द हेड्स एंड द बॉन्ड स्टोन शुड नॉट बी ऑफ डम्ब बेल शेप, ठीक है। हेड्स एंड बॉन्ड स्टोन शुड नॉट बी ऑफ डम्ब बेल शेप। अब इसका मीनिंग क्या है, देख लेंगे एक बार फिगर दोस्तों। ओके, तो आपको दिख रहा है ये हमारी मैसनरी वॉल है। अब इसमें देखिए कुछ एब्रेविएशन है, जैसे बी होता है फॉर बैकिंग स्टोन, एच होता है हर्टिंग स्टोन, बी का है ये फेस जो है, दिस फेस इज यूर बैकिंग, ओके। देन ये है आपका फेसिंग, ठीक है, ये आपका फेसिंग है, और जो बीच वाला है एच दिख रहा है, ये आपके हर्टिंग स्टोन है। पी जो है दोस्तों, पी है आपके प्लम्बिंग स्टोन, देखिए
ये जो है आपका, ये है आपका प्लम्बिंग स्टोन। देन बी एस है आपका बॉन्ड स्टोन। जो बॉन्ड स्टोन होगा वो आपका बैकिंग और फेसिंग दोनों में होगा। दोस्तों देखिए ये क्या हो रहा है कि बैकिंग में भी है और फेसिंग में भी है, थ्रूली है, इस वॉल के बैकिंग में भी है और फेसिंग में भी है। कौन सा? बॉन्ड स्टोन। ठीक है, सी है आपका चिप स्टोन के लिए। चिप स्टोन क्या दिख रहा है आपको दोस्तों? जो आपके छोटे छोटे पीसेस है स्टोन के, ये वाले, ये है आपके चिप स्टोन। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फॉर फिलिंग द हॉलोज। ओके, और एफ है आपका फेसिंग स्टोन, दिख रहा है? ये एफ है आपका फेसिंग स्टोन। ठीक है, बी है बैकिंग स्टोन, एच है हर्टिंग स्टोन, पी है आपका प्लम्बिंग स्टोन, बी एस है आपका बॉन्ड स्टोन जो आपका फेस में भी होगा और बैक में भी होगा, सी है आपका चिप स्टोन जो आपको फील्ड के लिए, हॉलो को फील्ड करने के लिए इस्तेमाल करना है, और एफ है आपका फेसिंग स्टोन। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या था दोस्तों? हमारा फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ प्रिंसिपल जो था वो हमें कहता है कि द हेड्स एंड द बॉन्ड स्टोन्स शुड नॉट बी ऑफ डम्ब बेल शेप। अब हमें पता है कि हेड्स क्या होता है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि बॉन्ड स्टोन क्या होता है। ठीक है, तो आपके जो हेड्स है और जो बॉन्ड स्टोन्स है वो आपके डम्ब बेल शेप नहीं होना चाहिए। अब डम्ब बेल शेप किस तरह से? इस तरह से। ठीक है, आपने डम्ब बेल देखा है दोस्तों, तो आपके जो स्टोन है डम्ब बेल शेप नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये कहता है हमें फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड अंडर द एंड्स ऑफ गर्डर, ठीक है, अंडर द एंड्स ऑफ गर्डर्स रूप ट्रसेस ETC, लार्ज फ्लैट स्टोन्स शुड बी यूज। लार्ज फ्लैट स्टोन्स शुड बी यूज। अब आपको पता होता है कि जो गर्डर है हमारा काफ़ी हेवी बीम होता है, गर्डर हो गया, रूप ट्रसेस हो गया, इनका लोड जब आपके वॉल पर जाएगा तो उस वॉल को, इन लोड को लेने के लिए एक हमें प्रॉपर स्टोन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है, और इसके लिए हमें लार्ज फ्लैट स्टोन लगता है। ठीक है दोस्तों, हमें एक लार्ज फ्लैट स्टोन प्रोवाइड करना होता है जिससे कि आपका जो लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वो आपके वॉल के थ्रू फाउंडेशन पे चला जाए। ठीक है, तो हमने पाँच प्रिंसिपल समझ लिए, आपको समझ गया। अब आगे देखेंगे हम। सिक्स प्रिंसिपल है, द मोर्टार टू बी यूज शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, आपको मोर्टार गुड क्वालिटी का इस्तेमाल करना है, और आपको स्पेसिफाइड फेसेस पर ही इस्तेमाल करना है, जो आपको स्पेसिफाई किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने मोर्टार का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नाउ द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ स्टोन मैसनरी शुड बी रेज यूनिफॉर्मली। आप जब स्टोन मैसनरी का कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको हर एक स्टोन लेयर को यूनिफॉर्मली रेज करना है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा, द प्लम बॉब शुड बी यूज टू चेक द वर्टिकैलिटी ऑफ इरेक्टेड वॉल। अब प्लम बॉब क्या होता है देख लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है बॉब, इस तरह से आपका बॉब चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है क्या? वर्टिकैलिटी ऑफ योर वॉल। ठीक है, आपको बॉब दिख रहा है जो स्ट्रिंग के साथ में आपको दिख रहा है। ठीक है, एक वेट होता है सस्पेंडेड वाला, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? टू चेक द वर्टिकैलिटी ऑफ वॉल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। द स्टोन मैसनरी सेक्शन शुड ऑलवेज बी डिजाइन टू टेक कॉम्प्रेशन एंड नॉट द टेंसाइल स्ट्रेसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपके जो स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन होता है ये सिर्फ कॉम्प्रेसिव लोड के लिए होता है, यहाँ पर ना ही बेंडिंग ना ही टेंसाइल स्ट्रेसेस किसी भी तरह की अलाउ नहीं है। हमारी वॉल कॉम्प्रेशन के अलावा कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस या बेंडिंग स्ट्रेसेस को नहीं झेल सकती है। ठीक है, ये काफ़ी वीक होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, द मैसनरी वर्क शुड बी properly cured after the completion of work for a period of 2 to 3 weeks. आपको कम से कम 2 से 3 weeks के लिए उसे properly cured करना है, उसे curing करना है। ठीक है, next principle है हमारा कि as far as possible the broken stones or a small stone chips should not be used. आपको broken stones को जिसमें cleavage है, ठीक है, जहाँ पर dense compact structure नहीं है, या जो स्मॉल स्टोन्स है जो आपका रिक्वायर्ड साइज है उससे कम है, चिप्स है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जितना कम आप स्मॉल स्टोन का इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ द डबल स्कैफोल्डिंग शुड बी यूज फॉर वर्किंग एट हायर लेवल। आप जब भी हायर लेवल पे जाते हो तो आपको स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करना है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है दोस्तों?
जब भी आप वॉल कंस्ट्रक्शन करोगे आपकी, ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म बनाने होंगे आपके वर्कर्स को काम करने के लिए, ठीक है। आपके जो वर्कर्स है वो काम कर पाए, इसलिए आपको प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे जो सेफ होना चाहिए और उस रिक्वायर्ड हाइट पर आप उन्हें काम करने के लिए प्रोवाइड करोगे, ठीक है। नाउ द मैसोनरी हार्टिंग शुड बी प्रॉपरली पैक विद द मोर्टार एंड चिप्स इफ नेसेसरी टू अवॉइड हॉलोज। हर्टिंग क्या होता है दोस्तों, हमने देखा था कि आपका होता है फेसिंग, देन बैकिंग, और जो बीच का पोर्शन है ये होता है आपका हर्टिंग। और जब हर्टिंग करोगे, हर्टिंग में अगर आपके हॉलोज होते हैं तो आपका स्ट्रक्चर वीक बनेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको मैसोनरी हर्टिंग में प्रॉपरली पैकिंग देनी है, और प्रॉपर पैकिंग के लिए आप क्या यूज़ करोगे, चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ द प्रॉपरली वेटेड स्टोन्स शुड बी यूज टू अवॉइड मोर्टार मॉइस्चर बेइंग सक, ठीक है। आप जब भी कंस्ट्रक्शन के वक्त में स्टोन का इस्तेमाल करोगे तो आपने पहले उन्हें सैचुरेट कर लेना है वाटर के साथ में। तो क्या होगा, जब आप उसे प्लेस करोगे तो आपका जो मोर्टार में वाटर होता है हाइड्रेशन के लिए, वो वाटर आपका स्टोन जो है सक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ जनरल प्रिंसिपल है सबसे इंपॉर्टेंट वाले। तो हमने अभी जनरल प्रिंसिपल देख लिए, ठीक है, हमने सभी प्रिंसिपल समझ भी लिए, तो होप आपको समझ गया होगा, ठीक है। आपको अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।